Hello Yes. everyone, this is Let's Connect and I'm Rupya Hi. Ganguly. Today we are going to be in conversation with the musically talented Vipin Patwa about composing music for the Netflix film Girl on the Train, among other projects. So welcome to Let's Connect and thank you for joining me. How are you? I'm good, girl. How are you, Rishita? How are you? I'm all right now. Yes. Yes. Still in lockdown, which is, I think it's good for everyone right now. So, Yeah. talk to us about when you were approached with the idea of composing Matlab Ye Aariya for Girl on the Train. Actually, ये 2020 की स्टोरी है. 2020 बिगनिंग. तो रिभु दास गुप्ता इज द डायरेक्टर एंड ही वाज डूइंग द फिल्म. कुमार करके राइटर है, यू मस्ट बी नोइंग कुमार, लिरिक्स राइटर. तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि विपिन, वी हैव अ सिचुएशन एंड दिस इज द फिल्म. एक सिचुएशन ऐसी जिसमें मतलब ही यार, जिसमें परिणीति बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है और बहुत क्योस है उनके लाइफ में. तो हाउ शी विल रिएक्ट, हाउ शी विल से, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कंडीशन है, उसके हिसाब से कैसे वो गाने में रिएक्ट करेंगे, क्या रिफ्लेक्शन होगा. तो फिर धीरे धीरे एक आइडिया डेवलप हुआ कि हम मतलबी वर्ड यूज करेंगे रिलेशनशिप में, कि यार तुम्हारी दोस्ती मतलबी है, तुम्हारा प्यार मतलबी है, तुम्हारा अफेक्शन मतलबी है. ठीक है. तो उस पे बात करते करते हमने एक और नया चाहिए कि मतलबी यारियां करते, यारियां मतलबी. तो फिर वो थॉट जब क्रैक हुआ मतलबी यारियां का, तो फिर मेरी डायरेक्टर से बात हुई. उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, क्लियर कट बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, विजुअल्स बताया मेरे कैसे विजुअल्स हैं. तो फिर उसके हिसाब से फिर एक ट्यून तैयार हुई. और जब वो गाना तैयार हुआ, जब जब हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि यार सुना सकते हैं, तो फिर हमने फोन किया कि आप एक बार सुन लीजिए इसे. तो उन्होंने सुना और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गाना बहुत पसंद आया, खासकर ये हुक मतलब ही यारियां. फिर उसके बाद उसका मुखड़ा क्रॉस, पूरी गाने की एक गाना लगता है छोटा, 3 साढ़े 3 मिनट का, पर उसके पीछे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, रिकॉर्डिस्ट होता है, सिंगर होता है, बहुत सारे लिरिक्स राइटर होते हैं, बहुत कई सारे लोग मिलके वो 3.5 4 मिनट का गाना बनाते हैं. वो रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल थॉट मेरा है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है. तो और सब लोग जब एक पेज पे काम करते हैं, जब आर्टिस्ट या म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, फिल्म डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, जब सब लोग एक पेज पे काम करते हैं, लाइट माइंडेड होके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप गाना अच्छा बन जाता है. धीरे करते लोग सब सब अपना बेस्ट करते गए और एक अच्छा गाना तैयार हो गया और फिर पसंद किया गया लोगों के द्वारा. आपने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, ये रिश्ता. बहुत ही सुरीला और इतना आई मीन द सॉन्ग रिप्रेजेंटेड परिणीति चोपड़ा ऑन स्क्रीन वेरी वेल. आई मीन इट द होल एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेल सूटेड फॉर द सॉन्ग टू बी देयर. सो मतलब यारिया इज अ वेरी सूदिंग एंड हार्ट रेंडरिंग सॉन्ग एंड यू यूज्ड सॉफ्ट रॉक एंड सेमी क्लासिकल एंड ब्लेंडेड इट विथ द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग. सो व्हाट वाज द आइडिएशन प्रोसेस बिहाइंड इट, बिकॉज एज यू सेड कि वो गाना तो 3 मिनट का है लेकिन उसके पीछे बहुत आई मीन काम करना पड़ता है. तो मतलब यारियाज आइडिएशन, व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड इट? जब इसमें दो वर्जन है, आपने नोट किया होगा, देर आर टू वर्जन इन द सॉन्ग, इन द फिल्म. वन विथ नेहा कक्कड़ एंड सेकेंड सॉन्ग, सेकेंड विथ परिणीति चोपड़ा. तो जो फर्स्ट जब जब फर्स्ट गाना बना था, तो थोड़ा ग्रूव था उसमें, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक है और हल्का इंडियन क्लासिकल भी थोड़ा उसमें मैंने ऐड किया है, और एक सॉफ्ट रॉक की तरह एक थोड़ा फ्यूजन है, राइट. लेकिन जब जब ये गाना हो गया, जब शूट हो गया और जब ऑलमोस्ट फिल्म कंप्लीट हो गई थी, तो डायरेक्टर मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि विपिन, कैन वी रिकॉर्ड परिणीति इन द सेम सॉन्ग. तो मैंने बोला कि यस, ऑफ कोर्स वी कैन रिकॉर्ड द सॉन्ग, आई थिंक अच्छा होगा सर.
ये तो और अच्छा हो जाएगा. मुझे नहीं पता था कि शी इज टैलेंट सिंगर. आई वॉज नॉट अवेयर, क्योंकि मैंने कभी, आप जब तक किसी को फिजिकली रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं कर सकते. क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑडियो सुनते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें प्रोसेस्ड होती हैं, आप जजमेंट नहीं कर सकते. लेकिन जब एज ए आर्टिस्ट आप किसी को फेस टू फेस फेस करते हो तो आपको रियलिटी समझ में आती है. तो जब रिकॉर्डिंग में हम लोग मिले और व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग, तो आई अमेज्ड. आई थॉट कि अरे ये तो अच्छा गाती है. तो फिर धीरे धीरे फिर हमने उसी सेम टेम्पो में, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मेरा रिएक्शन नॉर्मल था, ये तो अच्छा गाती है. मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाती है. तो फिर उसके बाद रेबू सर ने मुझे को सजेस्ट किया कि विपिन क्या कैन वी टेम्पो जो बहुत ज्यादा अपबीट है ऑलरेडी फिल्म में, क्या इस टेम्पो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं क्या? हम ऑफकोर्स कर सकते हैं. तो वो ऑन द स्पॉट मेरे म्यूजिशियंस थे वहां पे, मेरे सीनियर रिकॉर्डिस्ट थे, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर थे ध्रुवा दादा थे, और सब लोग थे. तो सबने मिलके ऑन द स्पॉट उस ट्रैक को ठीक किया विद इन आवर. आप देखिए दोनों के टेम्पो में, ग्रुप में बहुत ज्यादा फर्क है. लेकिन चूंकि मैं अकेला नहीं था, मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. तो तुरंत 1 घंटे के अंदर फिर से ट्रैक तैयार हुआ, इस लायक ट्रैक तैयार हुआ जिसपे वो गा सकें. और फिर धीरे 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 करके हमने उनको रिकॉर्ड किया. लोग अमेज्ड हैं कि इतना अच्छा कैसे गा रही हैं वो. मैं भी अमेज्ड हूँ, वो भी, इवन वो भी अमेज्ड हैं. उन्होंने मेरे को बोला था, विपिन लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है, मेरे फादर बहुत अप्रिशिएट करते, तो मुझे लगा वो मेरे लिए बायस है. मेरी मदर बहुत अप्रिशिएट करते, मुझे लगा मेरे लिए बायस है. तुम बताओ ट्रुथ क्या है? हमने कहा ट्रुथ ये कि आपने सही में बहुत अच्छा गाया है. और उसके पीछे एक वजह जो है वो ये है कि आप उस सिचुएशन में हैं, आप उस कैरेक्टर में हैं, आप वही वही रोल प्ले कर रही हैं, आप वही डायलॉग डिलीवर कर रही हैं, आप उसी कॉस्ट्यूम में हैं. तो आपसे बेटर तरीके से कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उस फीलिंग को, यू नो. तो आप देखिए, तो जो 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 परिणीति ने जिस तरह से एक्सप्रेस किया है गाने को, जिस जिस जितना इमोशन उसमें, इमोशन जितना ले आई है वो गाने में, उतना नॉर्मल सिंगर नहीं करता. क्योंकि वो उस कैरेक्टर में है, उनको उसकी सिचुएशन पता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से निकल गया गया. तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, प्लस परिणीति का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो सबका, मैंने आपको पहले चीज बोली थी ना, जब लाइट माइंडेड लोग होते हैं, जब दिमाग में बहुत सारी चीजें पहले से नहीं है कि ये करना है वो करना, आप जब अच्छा करने की कोशिश करते हो तो भी सिचुएशन भी आपके साथ, आपकी सराउंडिंग्स भी आपके साथ साथ आपको हेल्प करने लगती है. तो ऐसे दोनों गाने के वर्जन अच्छे बने हैं, लोगों को पसंद आया गाना. और प्रोसेस तो मैंने बताया कि इट्स नॉट ईजी, एक आदमी का काम नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. और मैं थोड़ा ओपन भी रहता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ, किसी तरह का कोई भी, मतलब अगर जूनियर रिकॉर्डिस्ट भी है तो मैं उससे पूछूंगा भी टेक के बाद कि हाउ साउंडिंग. ये मेरे ऊपर है कि मैं उसके थॉट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ. अगर मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा है या कोई सजेशन सही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. पर मैं पूछता जरूर हूँ अपने लोगों से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप अपने काम से थोड़ा, एक अफेक्शन होता है कि आप अपने बनाए तो आप उसको अच्छा ही लगता है, यू नो. सबका अपना बेबी सबको अच्छा लगता है. लेकिन जब आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिलता है, जब जेन्युइनली लोग आपको बताते हैं कि ये अच्छा है, तो फिर आप उसकी कुछ कमियां भी आपको पता चल जाती हैं. तो रिलीज से पहले मैं इसलिए पूछता हूँ कि इसमें क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 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 नहीं होनी चाहिए, और कुछ सजेशन से समझ में आ जाती हैं. क्योंकि आप परफेक्ट तो हो नहीं, एक एक आर्टिस्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, अपना बेस्ट करता है. और वो डे बाय डे परफेक्शन आती रहती है. तो स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू नो. स्टिल आई एम, अभी अभी भी वही हंगर है, अभी भी लगता है कि कुछ इसके बाद क्या, ये तो हो गया, अब क्या करें, अब क्या बनाएं, अब इसको कहाँ से ब्रेक करें, यू नो. तो ये सब चलता रहता है. जैसा आपने कहा कि परिणीति चोपड़ा ने एक अलग काइंड ऑफ फील दी है मतलब आर्या को, एंड नेहा कक्कड़ ने एक अलग टाइप ऑफ फील दी है. पर एज अ म्यूजिक कंपोजर, व्हाट वाज योर एम्बिशन कि आप किस तरह का मूड कैप्चर करना चाह रहे थे दोनों वर्जन से? जो नेहा का वर्जन है वो ग्रूव है, ग्रूव ओरिएंटेड है, थोड़ा उसमें रिदम है. आप जब स्टेज पे होंगी तो उसको गाने में मजा आएगा, क्योंकि एक कनेक्टिविटी होगी, थोड़ा सा ग्रूव है, थोड़ा थोड़ा सा फास्ट है, अपबीट है, ठीक है. लेकिन अगर आप आराम से घर में बैठी हैं अपने रिलैक्स होके, और आप एक बैकग्राउंड की तरह म्यूजिक बजाना चाहती हो, तो आपको सेकेंड वर्जन पसंद आएगा. आपको थोड़ा स्लोअर वर्जन है, क्योंकि वो उसमें पेस नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, उसकी ब्यूटी को ज्यादा, उसकी उसकी ब्यूटी को ज्यादा, उसके एस्थेटिक्स का ख्याल रखा गया है, उसको और ब्यूटीफाई किया गया है. तो
थोड़ा सा दोनों में फर्क है, एक अलग ऑडियंस के लिए है, एक अलग ऑडियंस के लिए है, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। और मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ दोनों बनाने में, ऐसा मुझे फील होता है कि मुझे इस बात का वो नहीं है कि हाँ एक थोड़ा कम रह गया या एक ज्यादा अच्छा हुआ। मैं दोनों वर्जन को जब देखता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप को, मुझे लगता है नहीं अच्छा काम किया मैंने। वर्क विद सो मेनी पीपल. आपका जो सॉन्ग है पापुन के साथ, वो आई थिंक मेरा फेवरेट गाना है, बिकॉज इट्स विच सो वन विच वन? टिटली. यस एग्जैक्टली. अच्छा। एंड लुकिंग एट द करंट इंडियन म्यूजिकल यू नो सिनेरियो, देर आर अ लॉट ऑफ आई मीन रीमिक्सेस दैट आर बीइंग मेड, एंड काइंड ऑफ ऐसा हो जा रहा है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. तो व्हाट इज ओपिनियन ऑन द आई मीन करंट ट्रेंड दैट इज आई मीन दैट हैज बिकम पॉपुलर इन द इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एटलीस्ट. ऋषिरा क्या है कि कुछ भी गलत नहीं होता, ये सिचुएशन की डिमांड है, ये टाइम की डिमांड है। तो अगर पुरानी शराब नई बॉटल में पेश कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। लेकिन क्या है, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप सिर्फ पुरानी नई बॉटल ही ला रहे हैं, पूरा नई शराब नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ पुरानी शराब ही पेश किए जा रहे हैं, आप पुराने गाने ही पेश किए जा रहे हैं, तो फिर व्हाट आप अपनी जनरेशन को बताएंगे क्या कि 2019-20-2001 सिर्फ रिमिक्स आया जी, ओरिजिनल गाने बनी नहीं? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यस आई एम वेरी सीरियस, देर इज नथिंग बैड, उनकी उतनी इंपॉर्टेंस है, पर पैरेलली आपको आर्टिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतने ही अच्छे उतने नए गाने बनाए, अदरवाइज हम अपनी जनरेशन को बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे कि हाँ जिस समय मैं काम कर रहा था उस समय यार रिमिक्स ही चल रहा था तो मेरे गाने नहीं आए, तो बहुत शर्म की बात होगी हमारे लिए। तो थैंक गॉड जिस समय रिमिक्स चल रहा है उस समय हम ओरिजिनल गाने कर रहे हैं, मैंने कभी रिमिक्स नहीं किया है, मुझे अच्छा लगता है इस बात से, मुझे प्राउड फील होता है, पर ऐसा नहीं कि मैं रिमिक्स नहीं करना चाहता, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। जो कर रहे हैं वो गलत बिल्कुल नहीं है, और जो कर रहे हैं उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनका अपना प्लान है, उनको अपनी फिल्म प्रमोट करनी है, उनको अपनी चीजें प्रमोट करनी है, और बहुत अच्छे गाने ऐसे पुराने बने हैं जिनको रिमिक्स करना चाहिए क्योंकि उससे फिर से वो एक बार ताजे हो जाते हैं। तो हर चीज के दो चीजें होती हैं, अच्छा भी बुरा, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, यू नो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रिमिक्स करने में कुछ कभी कभी वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते जहां पे ओरिजिनल गाना होता है, यू नो। तो लोगों को शिकायत होती है कि यार ये गाना आपने रिमिक्स नहीं करना चाहिए था, पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि जो रिमिक्स हो गया वो ज्यादा अच्छा चलता है। तो दोनों चीजें हैं, हमें एक आर्टिस्ट की तरह और अच्छी ऑडियंस की तरह ही देखना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं, और म्यूजिक में अगर अच्छा है तो फिर अच्छा है, उसमें फिर ज्यादा आर्गुमेंट करने की और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक दिमाग की चीज नहीं है, दिल की चीज है, आप दिमाग लगा के म्यूजिक नहीं बना सकते। आप जब तक अंदर से फील नहीं करेंगे, आप जब तक अंदर से एंजॉय नहीं करेंगे, आप खुद को मजा नहीं देंगे, आप खुद को प्लेजर नहीं देंगे, आप दूसरों को एंजॉय नहीं करा सकते, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है, आप जो कर रहे हैं वही ट्रुथ है। तो अगर आप गलत कर रहे हैं, आप बेसुरा गा रहे हैं, आप बिना फीलिंग के गा रहे हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा। ये तो चीज ऐसी है, दूध का दूध पानी का पानी, इसमें तो कोई यू नो दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, यू कैन मतलब यही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पोल्यूशन नहीं है। आर्टिस्ट जब सामने होता है तो फिर उसमें क्या पोल्यूशन, तो सामने आपको समझ में आता है अच्छा गाना अच्छा गाना है, और जो बुरा गाना है वो भी बुरा ही नहीं है, मतलब यू नो एक हमें ज्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं आना चाहिए। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच ऑफ वन, या उसमें ये देखना चाहिए अच्छा क्या है, बाकी का तो ये हमेशा से चलता आ रहा है, यू नो। और पुराने गाने इतने अच्छे हैं, अगर उसकी रिमिक्स हो रही है, लोगों को कुछ गाने पसंद आ रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तनिष्क को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में, ही इज डूइंग वेरी गुड। अब आप 100 चीजें अच्छी करते हैं तो आप सिर्फ 10-20 से चीज खराब होती है, तो उसको आपको उस पर मुझे लगता है ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर ये भी जरूर ख्याल रखना है हमें कि आप अपनी जनरेशन को अपने लोगों को क्या बताएंगे, आप आने वाले टाइम में क्या बोलेंगे कि भाई वो ऐसा दौर था जिससे मैं नए गाने बने, तो थैंक गॉड उसमें से कुछ बहुत लोग हैं जो रिमिक्स नहीं करते हैं और काम चल रहा है, तो अच्छा है, दोनों अच्छे।
looking back at your career, at your extensive career, when you were in All India Radio and now, you know, composing music for a Netflix film, what would you say have been the highlights of your career, or perhaps some regrets? No regret. No regret. This is the process, you know. आप डे बाय डे अर्न करते हो, लर्न करते हो, तो फिर रिग्रेट किस बात का? आपने जो किया है आपके आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिल रहा है. आप अच्छा करोगे, आप मेहनत करोगे, आप ऑनेस्टी से म्यूजिक करोगे, आप उसमें इन्वॉल्व होगे एज ए आर्टिस्ट, तो डे बाय डे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे. मुझे मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब तो अपना काम कर रहा है, किस बात का रिग्रेट था. तो मैं तो बहुत, मतलब मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि थैंक गॉड मैं कम से कम जो सोच रहा था वो मैं कर तो रहा हूँ. आज 20 साल पहले जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में शुरू किया था करियर 2001 में गोरखपुर में, और आज 20 इयर्स के बाद जब मैं सेम काम कर रहा हूँ, म्यूजिक तो कर रहा हूँ, पहले रेडियो के लिए करता था, अभी फिल्मों के नेटफ्लिक्स के लिए, फिल्मों के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा प्लेजर ज्यादा है कि मैं म्यूजिक कर रहा हूँ. मुझे इस बात से, मुझे इवन अब तो ऐसी सिचुएशन की मुझे इससे ही फर्क नहीं पड़ता गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा, आई डोंट केयर. मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, आर्टिस्ट को अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्या मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्या मैं खुश हूं उसको करके. तो अगर मुझे लगता है कि वो चीज मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है, कि अगर जब मुझे लगता है नहीं यार मैंने तो अपना बेस्ट किया, और आप अपना बेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी का तो ऑडियंस के हाथ में है, तो रिग्रेट एक आर्टिस्ट को कभी नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं है. हाईलाइट तो ये है कि अभी हाईलाइट मुझे लगता आने वाली है, मुझे लगता है अभी और बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूँ मैं, और बाकी काफी कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, और मैं सोचता हूँ कुछ कुछ अच्छा करूँ म्यूजिक में, कुछ ऐसा करूँ कि जो कम से कम मेरी जनरेशन या जो आने वाले लोग हैं उनको लगे कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं. ये मैं नहीं कह रहा कि जो दूसरे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ आपको. तो क्योंकि लाइफ की जर्नी में ये बहुत जरूरी है कि आप हैप्पी हैं कि नहीं, आप जिस भी पोजीशन में हैं, सक्सेस के जिस भी मकाम पे हैं, आप वहां पे खुश हैं कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है. तो डे बाय डे मुझे लगता है हाईलाइट्स चेंज होती रहती है इंसान की, ना बहुत लालची होता है इंसान, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पहले छोटे ख्वाब होते हैं, फिर उसके बाद उसके ख्वाब और बड़े होते चले जाते हैं, डे बाय डे उसके ख्वाब बड़े होते चले जाते हैं. तो कैसे मैं बोलूं कि हाइलाइट्स अभी तक आया है, बस जो हो रहा है अच्छा वही हाईलाइट है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हाईलाइट होगी. अभी रिसेंटली तो मेरी यही बड़ी फिल्म है, आने वाले टाइम में और बड़ी फिल्में आएंगी, और बड़ी फिल्म से ज्यादा अच्छा गाने अच्छे लोगों को पसंद है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि लोगों को गाने पसंद आते हैं, आपका काम लोगों को अच्छा लगता है, तो वो बहुत एक प्लीजेंट मोमेंट होता है. बहुत ही गहरी बात कह दी आपने, दैट इज वेरी ट्रू, कि वो भी करे वो खुशी से करे और उसमें खुश हो और आप इतने ऑप्टिमिस्टिक भी है, तो इसी ऑप्टिमिज्म में आई मीन व्हाट आर योर फेवरेट आर्टिस्ट्स जिनसे आप मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं ग्लोबली, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया? बहुत सारे आर्टिस्ट है, एक नाम कैसे लूं, ऑल ओवर वर्ल्ड लिस्ट ही खत्म नहीं होगी मेरी. तो मतलब थोड़ा एम्बिशियस हूँ मैं इस मामले में, शुरू से ही एम्बिशियस था. तो एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में, बहुत लोग टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी तो ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान के सारे आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है जो भी सिंगर्स हैं. पर मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली अक्रॉस टू द ग्लोब कभी बाहर के हॉलीवुड के आर्टिस्टों के साथ कोलाबरेट करूँ, कुछ इंटरनेशनल म्यूजिक पे काम करूँ, ऐसा हो कि एशियन म्यूजिक भी ऐसा होता है, मतलब थोड़ा सा उस पर मेरा चल रहा है कि कुछ कुछ तो हो. वो क्या होगा अभी एग्जैक्टली दिमाग में नहीं है, पर आप देखिए तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको इंटरनेशनली लोग अप्रिशिएट करते हैं. आप नुसरत जी को देख लीजिए पाकिस्तान के, इंडिया में आप देखिए अरिजीत सिंह हैं, वो बहुत टैलेंटेड है. तो जो अच्छा करेगा ना उसको ऑलरेडी अपने आप धीरे 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 करके, रहमान सर को देख लीजिए आप, तो जो भी अच्छा करेगा ना उसको वो धीरे धीरे डे बाय डे
वो उस प्लेटफॉर्म को जरूर कैश करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे जरूर काम करेगा, लोगों के साथ कोलाबरेट करेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा और बड़े और भी अपने इंडिया से या फिर पाकिस्तान के आर्टिस्टों को, मतलब इनके साथ तो मैं काम कर रहा हूँ, पर अक्रॉस टू द ग्लोब भी मैं जाके थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेवल करूँ और कुछ आर्टिस्टों से मिलूँ, कुछ कुछ बनाऊँ। यू नेवर नो, ये कुछ अच्छा बन सकता है, क्योंकि आप जब अलग अलग ब्रेन्स एक साथ काम करते हैं और अलग अलग म्यूजिक स्टाइल एक साथ काम करती है, तो कुछ नई चीजें बन जाती हैं। तो मेरा मेरी एक नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बहुत सारे नाम है, लिस्ट में किसका किसका नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। पर मेरा बहुत मन है कि मैं और कोलाबरेट करूँ इंटरनेशनली, और कोलाबरेट करूँ और अपने देश के भी लोगों के साथ काम करूँ। ऐसा नहीं, सब यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पर अपनी म्यूजिक को जो मैंने सीखा है, देखो मैंने थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं उसके रिचनेस से वाकिफ हूँ। मैं मुझे पता है कि वो कितना कितनी कितनी गहरी चीज है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज मेरे काम वही आती है जो मेरी पहले की लर्निंग थी, जो मेरा पहले का रियाज था, जो मैं पहले गुरुओं के साथ बैठा, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल करता था, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अटेंड करता था, जा जाके रात रात भर सुनता था। पूरी पूरी रात मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं। 5 दिन का फेस्टिवल हो रहा है वाराणसी में, तो मैं 5 दिन चोरी से हॉस्टल छोड़ के बाहर रहता था, और 5 5 रात मैं कॉन्सर्ट सुनता था, और फिर 5 दिन बाद वापस यूनिवर्सिटी चला जाता, किसी को पता नहीं चलता था। तो वो जो लर्निंग है ना, वो जो भाग भाग के सुना, वो जो हर जगह बैठ के 2 3 साल यूट्यूब पे बैठ के गाने सुनता रहा, तो वो जो सुना ना, वो सुनना मेरे काम आ रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ फिजिकली मैं थोड़ा मूव करूँ, थोड़ा फिजिकली और लोगों से मिलूँ, थोड़ा और भी और प्रचार करूँ अपने म्यूजिक का, और अच्छे म्यूजिक का, हमारे इंडियन म्यूजिक का। इंडियन म्यूजिक को कैसे और सिंप्लीफाई करके, कैसे उसको बहुत डिफिकल्टीज ना हो उसमें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत तैयार, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टेढ़ा गाना बनाएंगे तो ही लोग पसंद करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप सिंपल भी गाना बनाएंगे, उसमें म्यूजिकलिटी हो, उसमें थॉट हो, एक थॉट होना बहुत जरूरी है, उसमें इमोशन हो, तो गाना कनेक्ट करता है, और एक गाना अगर बहुत उसमें थॉट नहीं है, उसमें फीलिंग नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट भी होगा पर असर नहीं करेगा, वो बहुत तैयार भी होगा तो असर नहीं करेगा, वो बहुत उमदा भी बन जाएगा, वो बहुत देखने में या सुनने में बहुत अच्छा ही बन जाएगा, लेकिन दिल पे नहीं लगती है। तो जब तक उसमें सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी, इमोशन नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसकी रेंज दूर तक नहीं होगी। और हमारे म्यूजिक में, हमारे इंडियन म्यूजिक में वो बात है, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है, इंडियन म्यूजिक तो है पहले गाने, मतलब वो बिजनेस के लिए नहीं था। जब म्यूजिक की ओरिजिनेशन हुई थी, जब म्यूजिक शुरू हुआ था, तो म्यूजिक उसमें या तो मंदिरों में गाया जाता था, या इबादत के लिए लोग इस्तेमाल करते थे इसका, या फिर मेडिटेशन के लिए, या कनेक्ट होने के लिए लोग करते थे। पर अभी धीरे 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 करके वो चीज, बहुत पुरानी बात है, अभी चीजें बहुत बदल गई हैं अक्षता। अभी उसको पहले पहले उसकी ठुमरी बनी, फिर बड़ा बड़ा ख्याल बना, फिर ठुमरी बनी, फिर गजलें आए, गजलों के बाद फिर क्या बोलते हैं, फिल्मी म्यूजिक आया, फिर एक सेगमेंट फोक म्यूजिक का है। तो जो फोक म्यूजिक है वो अभी तक सेफ है, लेकिन जो ओरिजिनल म्यूजिक का फॉर्म था, वो धीरे 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 पूरा चेंज हो चुका है। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने कोर को भी जाने, हमारा 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 हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई म्यूजिक की, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी ये बात शायद मुझे लगता है भारी है जो मैं कह रहा हूं, पर लेकिन ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने रूट्स को नहीं छोड़िए। आप हाँ, आप रियाज जरूर करिए। आप अगर म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जिस भी फॉर्म के आर्टिस्ट हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। वो नॉलेज हमेशा आपको एक दूसरे पायदान तक ले जाएगा। आपको नॉलेज होना, आपको लर्निंग होना बहुत जरूरी है म्यूजिक की। तो थोड़ी सी लर्निंग कम हुई है हमारे यहाँ अभी, क्योंकि टाइम कम है लोगों को और ख्वाब बहुत ज्यादा है। करना बहुत कुछ है पर आपने पास जब, लेकिन करना बहुत कुछ है, आप करेंगे कैसे जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा?
आपको लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। कितने राग रागनिया है हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिक में, अगर आप डिटेल, लेकिन हम उसकी 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 तह तक नहीं जा पाते नो हम, क्योंकि हम बहुत ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं। बहुत लोग इंडिया में इंडियन म्यूजिक के रूट तक नहीं जाते हैं, उसको ऊपर ऊपर ही, उसकी सिर्फ क्रीम खाने के चक्कर में रहते हैं, उसके कोर में नहीं जाते। तो उसके लिए आपको थोड़ा म्यूजिक सीखना पड़ेगा। जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मैं तो उनको बार बार बोलता हूँ एक ही बार कि यार लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको अगर पता होगा ना, है तो 7 सुर ही, लेकिन उसका रियाज करना, उसको अच्छे से समझना, उसको दिल से प्रस्तुत करना, उसको दिल से गाना बहुत जरूरी है। वो काम आता है, आज नहीं काम आएगा तो थोड़े वक्त काम, मुझे तो बहुत काम आता है। जो मैंने पहले किया था, जो म्यूजिक मैंने पहले किया था, वो मुझे अभी काम आता है। तो इसलिए मैं उसको बार बार बताता हूँ कि यार वेस्ट नहीं हुआ। एक टाइम मुझे ऐसा लगता था यार, मैं इतना घूम रहा हूँ, इतना सीख रहा हूँ, इतना यहाँ वहां दौड़ता रहता हूँ, मतलब क्या है, क्या फायदा है, क्यों? मेरे जहन में एक समय एक सवाल था, काफी सालों पहले तक, कुछ सालों पहले तक, 2-3 साल पहले तक मुझे लगा यार मैंने इतना दौड़ा, इतना मैं घूमा, इतने म्यूजिक को लेकर सीरियस था, वाह मुझे और पहले बॉम्बे आ जाना चाहिए था। फिर मुझे अभी रियलाइज हुआ, नहीं बहुत सही हुआ मेरे साथ कि मैं थोड़ा लेट आया, कम से कम मैं उस चीज को और डिटेलिंग में जान पाया। पहले मैं हारमोनियम बजाता था, फिर कीबोर्ड बजाना शुरू किया, फिर गिटार बजाना शुरू किया। तो उस लर्निंग की आदत की वजह से मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। आप बहुत सारे फॉर्म्स म्यूजिक के जानते हैं, तो आपको भी मजा आता है जब आप म्यूजिक को जानते हैं, समझने लगते हैं, तो आपको सुनने में मजा आता है। जब आपको समझ में नहीं आएगी तो आपके कान से ऊपर से निकल जाएगी, यू नो। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। That's एनीवे last question. Tell us about जी your film भैया, फ्यूचर project. प्रोजेक्ट मेरा एक एक मेरी फिल्म है निकम्मा, जो रिलीज होगी, तो उसमें गाना है, और काफी सिंगल्स मैं कर रहा हूँ अभी। और अभी यूपी के लिए मैंने एक यूपी टूरिज्म के लिए एक गाना किया, कि मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, तो मेरे पास वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से फोन आया था कि हम यहाँ प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट यूपी टूरिज्म को कुछ बनाना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आई बात कि यूपी में क्या क्या है, तो मैंने रियलाइज किया यूपी में भगवान राम है, यूपी में भगवान कृष्ण है, यूपी में बुद्धा है, यूपी में कबीर है, यूपी में तुलसी है, यूपी में सूरदास है। ऑलमोस्ट सारी चीजों का आप देखिए तो बहुत सारे रिलीजन का, बहुत सारे आध्यात्म का केंद्र रहा है यूपी, यू नो। तो फिर मैं उसके हिसाब से गाना बनाया, आओ यूपी चले जहाँ दीप हृदय में जले, संगम प्रयाग मिले जहाँ गंगा से यमुना मिले, काशी में जीवन का अर्थ गढ़े, राम लला संग कृष्ण दरबार चले। तो मैंने अपने लेवल पे, मुझे मुझे लगा मैं क्या करूँ, तो मैंने सारे जितने भी मुझे जो मुझे मेरे नॉलेज में था, जिनको जिनको जो मैं पढ़ के जान पाया, सबको मैंने उस गाने में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और क्योंकि आप देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि ये तो ज्यादा बड़ी बात है कि क्या देखने को ही आएगा। लेकिन अगर जहां जहां अयोध्या आएगा, आप मथुरा आइए, आप कुशीनगर बुद्ध गया आइए, तो आप देखिए तो कई सारे धर्मों का, कई सारे चीजों का, लखनऊ आइए, कई सारी चीजों का केंद्र है, म्यूजिक का भी केंद्र है, लखनऊ बनारस बहुत सारी चीजों का एक केंद्र रहा है यूपी में, जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो मैंने इस बार गाना बनाया, तो मैंने सबको एक ही में, मैंने सारी चीजों को मैंने एक साथ ही, यू नो, एक धागे में मैंने ले आया कि मैं ले आया कि इस वजह से यूपी आई है क्योंकि यहाँ पे भगवान राम है, इस वजह से यूपी आई है क्योंकि यहाँ पे कृष्ण है, इस वजह से यूपी आई है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे कबीर थे, जिन पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। That is beautiful and it's a very beautiful emotion also. क्योंकि I mean it's a collaboration of all these religions and everything that UP represents sort of. हाँ, And then I बिकॉज mean देर इज ओनली वन गॉड, यू नो। धर्म तो हमने बना, रिलीजन तो हमने बना दिया ना, इंसानों ने बना दिया, very भगवान true ने तो धर्म बनाया नहीं। हाँ सो देर इज ओनली वन रिलीजन, ठीक है, पर क्या ये सब सब सबके सबके रास्ते अलग हैं, पर जाना सबने एक जगह है, ठीक है। सबके रास्ते, कोई भी रिलीजन हो, कोई
कोई भी रिलीजन गलत नहीं सिखाता। तो मैंने मैंने मतलब मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। एक चीज तो गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या है कि दो अपोजिट डायरेक्शन के लोग एक साथ रहते हैं। अब वाराणसी में कभी आप जाएंगे तो वहां पे बिस्मिल्लाह खान साहब थे बहुत पहले, जिनको भारत रत्न मिला था, आप जानती हैं। तो वो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि वो, उन्होंने भी यही बात करी अपने सारे स्टेटमेंट्स में। और जो भी एक अच्छा आर्टिस्ट होगा ना, कभी भी इसकी बात नहीं करेगा, वो हमेशा यही बोलेगा कि नहीं, सब एक है। तो उसको बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत है कि यूनाइट रहें, सब लोग एक साथ रहें। और म्यूजिक के थ्रू मैं कैसे उस चीज को और ज्यादा कह सकता हूँ, ये मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने गानों के थ्रू, कम से कम जब तक हूं तब तक कुछ तो ऐसा कह के जाऊं कि लोगों को ये लगे कि नहीं भाई, एक मैं अब, क्योंकि मेरा भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, मेरी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर या एज ए आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी एक से होना चाहिए ना। मेरे मेरे मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एमफिल किया, फिर मैं पीएचडी। तो मुझे पता नहीं था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं तो उस प्रोसेस में था, एंजॉय करता 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 आज ये कर रहा हूँ, हाँ पर म्यूजिक ही कर रहा। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें जब करी हैं तो उसका एक आउटपुट अच्छा आना चाहिए। सिर्फ आप यही गाएंगे कि वो कैंडी मैन ने वड्डी शरावन तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उसके सिवा हाँ, मैंने हर तरह के गाने बनाए हैं, आप देखेंगे गाने तो आपको बहुत बहुत वेरिएशन मिलेगा। जितना जो कॉमर्शियल किया है तो उतना ज्यादा क्लास भी करने की कोशिश की कि मेरा एक सेव हो, मेरी एक बात। That is beautiful, and that's an ending on this beautiful thought. Ki, and your answers have been amazing. I loved having this conversation with you. आप इतनी थैंक यू वेरी मच। गहरी बातें बस ऐसे मतलब इतनी आसानी से बोल देते हैं, ऐसा लगता है किसी गुरुजी के साथ बैठे हैं, एंड आप है नहीं ही नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे गुरुजी मत कहें। वैसे ही मेरे को कई लोग बोलने लगे गुरुजी गुरुजी, तो मुझे डर लगता है कहीं मुझे ऐसा लोग थोड़ी देर बाद बोलने लगे। एनीवे एक आर्टिस्ट है, और ऐसी बातें एक आर्टिस्ट से सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट ही ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा समझ सकता है कि मतलब म्यूजिक में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है. मतलब म्यूजिक इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, एंड सो इज एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस कॉन्वर्जेशन, एंड आई लव मतलबी आर्या, बोथ रेंडिशन, नेहा कक्कर्स एंड परिणीति चोपड़ाज. थैंक यू आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर यू थैंक यू प्रोजेक्ट.